नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एडुजेट। कुदरत का चमत्कार, एक महिला ने दिया 5 बच्चों को जन्म। बाराबंकी सीएससी सूरतगंज में एक महिला ने नॉर्मल डिलीवरी से हुए 5 बच्चों को जन्म दिया है, जहां पर स्वस्थ बच्चे होने की जानकारी दी गई है। वहीं बताया जा रहा है कि प्रसूता की हालत नाजुक होने से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहाँ पर बच्चा और जच्चा का उपचार किया जा रहा है। महिला के 5 बच्चों को जन्म देने की चर्चा का विषय बना है। आपको बता दें कि महिला के जन्मे 5 बच्चे एक साथ सूरजगंज ब्लॉक क्षेत्र के कुतलुपुर निवासी 26 वर्षीय अनिता गौतम पत्नी कुंदन गौतम को बुधवार सुबह प्रसव पीड़ा होने लगी, जिससे उसे एम्बुलेंस के द्वारा सीएससी सूरतगंज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एनएम द्वारा नॉर्मल डिलीवरी से 5 बच्चों को जन्म दिया गया, जिसमें 3 बेटियां 2 बेटे शामिल हैं। एक के बाद एक जन्मे बच्चों के बाद प्रसूता की हालत नाजुक होती गई। डॉक्टरों ने जच्चा बच्चा को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां पर महिला सहित 5 बच्चे सुरक्षित हैं। वहीं पर डॉक्टरों सहित नर्सों ने बताया है कि 5 जन्मे बच्चों की सूचना गाँव में पहुँचते ही ग्रामीण तथा परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं पर सीएससी अधीक्षक का कहना है कि जच्चा बच्चा सुरक्षित है। समाचार एटीजेड के लिए बाराबंकी से ब्यूरो रिपोर्ट। पांचों बच्चे जो है ये प्री टर्म है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आए हैं। प्री टर्म भी हैं, लो बर्थ वेट है। तो और तीसरी चीज है कि जो भी बच्चे समय से पहले पैदा हुए, जैसे 7 महीने 7 मंथ पे है, तो जो भी बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं उनके आर्गन डेवलप नहीं होते, इवन स्किन भी बहुत ही फ्रेजाइल टाइप से होती है। तो अभी तो बच्चे यहाँ रखे गए, लेकिन यह है कि इनके सर्वाइव करने के चांस थोड़ा सा कम होते हैं। तो समय से पहले पैदा हुए हैं, 5 हैं, तो प्री टर्म भी हैं, इनके सारे आर्गन भी नहीं ठीक से बने रहते हैं, जिसमें इनके लंग भी ठीक से नहीं डेवलप होते हैं, हार्ट हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, प्लस जो है ब्रेन और इनकी जो वेसल्स होती हुई बड़ी फ्रेजाइल होती है, तो बड़ा इनको मिनिमम हैंडलिंग के साथ इनको रखा जाता है। 5 बच्चों में इनकी स्थिति क्या है, क्या बेहतर? ये 5 में इनके 2 तो बच्चे मेल हैं और 3 फीमेल बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चा सीख है, उसको ऑक्सीजन पे रखा गया है। लेकिन ये बच्चे जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, हम लोग एक भाषा में एपनिया बोलते हैं, उसमें भी चांस ज़्यादा होता है। एपनिया कहते हैं सांस रोक लेते हैं, तो अभी रखे रहें, देखते हैं क्या होता है इन बच्चों को। बाकी अभी तो ठीक ठाक है कंडीशन में, लेकिन ऐसे बच्चे थोड़ा सा समय के साथ साथ गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा रहे। बच्चों की माँ को क्या ट्रीटमेंट दिया है? बच्चों की माँ को यहाँ पे भर्ती कर लिया गया, हमारा वार्ड होता है कि यहाँ पे जो भी एनआईसीयू बच्चे होते हैं उनके लिए माँ के लिए अगर वहाँ पे बगल में एक वार्ड है, वहाँ पे भर्ती करके माँ को वहाँ रख लिया जाता है, और समय समय पर उनको बुलाते रहते हैं, जो भी जरूरत चीज़ें होती उसके लिए उनको बुला लिया जाता है। क्या टाइम से पहले ये बहुत पहले पैदा हो गए हैं? ये हमें लगा 34 वीक के हैं ये, तो समय से पहले पैदा हुए हैं ये। और बेसिकली मदर बता रही है उसको लगभग 15 दिन से लीकिंग की हिस्ट्री है, पानी नीचे तो इन्फेक्शन के भी चांस होते हैं। तो अभी रखते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। सर, अभी इससे पहले भी क्या बच्चे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बच्चे पैदा हुए इतने? 5 बच्चे तो नहीं हुए हैं, 2 बच्चे तक का हम लोग डिलीवरी बहुत है, अभी इससे पहले भी 2 रखे गए थे, तो दोनों बच्चे सही होके चले गए। उससे पहले 2 आए थे ट्विंस के, 1 आया था उसमें एक बच्चा गड़बड़ हो गया था, एक सही हुआ, सर्वाइव करके चला गया। 900 ग्राम का था वो, 950 ग्राम का था। तो देखते हैं क्या होता है, सारे बच्चे 1 किलो कोई नहीं बच्चा। मैंने कहीं मेडिकल स्टाफ भी सरप्राइज होगा? अरे मेडिकल स्टाफ सरप्राइज क्या, सब इन लोगों बड़ी मेहनत पड़ जाएगी। हाँ, खुशी भी हो रही होगी इलाज करने के साथ। खुशी तो रहती है, बच्चे अच्छे से निकल के चले जाते।